मैंने इन भाई से पूछा है, ये बता रहे हैं कि ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी वहाँ से। जी मैम, वो 22 अक्टूबर को मैम वो किधर आएंगे? MC Square। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे। और भाई आज है फ्राइडे, तो पहले पढ़ेंगे हम जुमे की नमाज़। उसके बाद अभी वैसे बुरहान खड़ा है बाहर, उसे मैं नीचे खड़ा करके ऊपर आया हूँ व्लॉग शूट करने के लिए, तो चलते हैं उसके पास। चल चल उठा, चल यार उठा उठा, चलो भरवा कर लेकर आओ जल्दी। तो भाई रियान के आई है कॉल, अब जा रहा हूँ मैं उसके पास, नहा लिया हूँ, नमाज भी पढ़ ली है मैंने, तो चलते हैं रियान के पास। आ चुके हैं हमारे सलमान भाई। आ जा भैया, कहाँ हैं? रियान का इनो की मुल्ला जी के कैंटीन पकवा, इस पकवा जी दुकान पे पीछे वाली जो टेम्पो कहते टावर के पास, टावर के पास। और भाई आज का हमारा आउटफिट, हमारी बुलेट को भी दिखा दे। तेरी बुलेट को दिखाऊं? कितनी चंगी कर दी भैया। सलमान ने अपनी बुलेट में पैसा लगा रखा मोटा, सलमान ने मोटा पैसा लगा रखा अपनी बुलेट में, अलग ही चमक रही है आज तो। ये ना चुहिया है हमारे बुरहान भाई ने हमारे चप्पल फेंक के मारी थी, हमने इनकी चप्पल फेंक दी वहां पे उस घर में, अब लेने गया इसे डांटो आपका फिर फेंक दूंगा बुरहान। ना 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 भैया, वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर दे, मार देना मुझे, वीडियो बंद कर दे यार। मैं बाहर लग रहा तू, भले ही तू नहाया ना हो 3-4 दिन से, जल्दी चलो। सबसे पहले कहीं ना मुझसे नहा के तैयार हो जाए, चला जाएगा वो। ना मेरी पैंट अब भी की ली है, देखिए नहीं पहन का। चल 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 चल, तुम्हारा क्या फायदा शादी वादी का भी? मोहब्बत दिल का कुकुर। देखिए चलो, चेक करता रहता हर टाइम से। चश्मा तो मैं लगाऊंगा, सलमान तो बता दो कहाँ जा रहे हो। कहाँ हम जा रहे हैं? गाजियाबाद, मैंने काम लिया है तो सलमान भाई का, तो नर्सरी का काम है, किसी को पौधे वगैरह कुछ लगवाने हो बता देना। तो आज इनकी मीटिंग है उन्हीं बड़े आदमी से जहाँ ये कल परसों कुछ कर रहे थे, लगाने जा रहे हैं वहाँ, मतलब लगाने नहीं देखने, इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, जगह देखने हो। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन चल जल्दी मत बना, फिर वहाँ से जाएंगे। तेना जुमाना पड़ा आज? खेर जा ना आइया। चलो भाई चलो, चलो भाई पुलिस से बचने के लिए हमने लिया ये वाला शॉर्टकट, ये निकलता है धर्म, मतलब ये वाला पुल जो है हमारे ऊपर जो है ये पूरा पार हो जाता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ इन दोनों से, तो बहुत रियान से थोड़ा सा कम पर सलमान से अच्छा लग रहा हूँ। तो भाई अब जा रहे हैं हम मसूरी, सलमान की मीटिंग है वहाँ पे, मतलब सलमान का काम है, इसका नर्सरी का काम है, तो इसकी मीटिंग है, तो ये अपनी मीटिंग करेगा और हम तब तक के लिए पता नहीं कहाँ जाएंगे, या फिर हम इसके साथ ही चले जाएंगे, पर व्लॉग शूट करना है तो शायद ना जाएं। तो भाई आ चुके हैं हम गाजियाबाद, यहाँ गाजियाबाद के जंगलों में है ये जहाँ सलमान आया है, आधे घंटे में हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये देखो आप एरिया कैसा है यहाँ का, ऐसी फैक्ट्री एरिया है ये, होली से जाकर ये फैक्ट्री एरिया है और हम इसमें अब एंटर करेंगे, पर यहाँ पे मैं व्लॉग व्लॉग शूट नहीं करूँगा क्योंकि परमिशन ना हो या जो भी हो शूट नहीं करूँगा। और भाई ये जो सारे पौधे हैं ना ये सलमान ने लगाए हुए हैं, ये भी इधर भी सारे सब जगह, ये यहीं तो पिटे थे, कहाँ पिटा सलमान? यहाँ पे नहीं लग रही चोट,
नहीं था उन्होंने इसका भूत बनाया। इधर बैठा हूँ भाई मैं, और इधर सलमान की मीटिंग चल रही है। भाई सलमान की बात हो चुकी है और जिनसे मीटिंग थी वो भी जा रहे हैं अब, और हमारे सलमान भाई ये बैठे। और भाई बहुत देर हो चुकी है, ये भी शिकार हो चुके हैं गर्मी का, और ये भी सलमान मेरा शरीर ठंडा हुआ ना। और भाई बहुत तगड़ी भूख भी लग रही है। अब चले सलमान, अब क्या काम रह गया तेरा यहाँ पे? चले सलमान भाई, हो गया काम सारा फाइनल? तीन बजवा दिए तुमने आज, साढ़े तीन बजे। चलो तो चलो भाई वहां से। अबे साले तभी तो भाई वहां से तो हम आ चुके हैं, सलमान का काम भी खत्म हो चुका है और सलमान भाई हमें ले जा रहे हैं खुशी में हवाई अड्डा। हवाई रेस्टोरेंट है यहीं पे, ये वो पास में ही, मतलब गाजियाबाद के पास ही है हवाई रेस्टोरेंट। तो अब हम जा रहे हैं वहां पे, भूख भी लगी हुई है, वहाँ कुछ खा भी लेंगे। वैसे वहाँ का बिल थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हम वहाँ नहीं खाएंगे, कहीं और खाएंगे कुछ भी, पर वहाँ नहीं खाएंगे। तो चलते हैं भाई, चलते हैं हवाई वहाँ पर जाएंगे सलमान बाद में, पहले यहाँ पे कुछ खा लें। हम यहाँ पे जरूर रुकते हैं नहर के पास, यहाँ पे एक तो अच्छी सी आ रही है सारी चीज, मतलब यहाँ पे बेहतरीन रहती है एकदम। क्या रेट है भैया? 40 रुपए की 250 ग्राम। भाई हमने यहाँ पे रुके हैं, हम यहाँ पे करवा रहे हैं पकौड़ी, जो कि मैंने तुम्हें भी दिखाई थी। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ जितना वहाँ पहुँचेंगे तब तक तो बेकार हो लेंगे, इसलिए हमने यहीं लगवा दिया। रियान भाई को ज़्यादा भूख लग रही है, उससे ज़्यादा लग रही है सलमान भाई को। ले भैया यार, मेरा ध्यान कैमरे में था। खा लिया भाई हमने पकौड़ी, और अब कोल्ड ड्रिंक रियान भाई का। बस बंद कर ली इसकी। ये क्या कर रहा है? पता है तुझे क्या कर रहा है तू? पता है भाई वहाँ जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम हवाई। वहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब कुछ उनसे मालूम भी करना है, क्योंकि मैं वहीं जाके बताऊंगा मतलब क्यों जा रहे हैं हम, और थोड़ा बहुत घूम कर भी आएंगे। तो भाई अब जा रहे हैं हम हवाई। आ चुके हैं भाई फाइनली हम हवाई, और यहाँ पर हमें कुछ मतलब बात पूछनी है इन्होंने, उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कर लूँगा, उसके बाद बताऊँगा तुमको। और ये है यहाँ का, ये जेंसी गंजी रेस्टोरेंट, और ये वाला जो है ये हवाई। और मुझे लग रहा है इसमें तो अभी काम ही चल रहा है, शायद अभी ओपन हो गया था ये पीछे, पर अब दोबारा काम चल रहा है इसमें। ये ओपन है हवाई ओपन है, और ये जेंसी गंजी रेस्टोरेंट जो है ये बंद है अभी। इसके बारे में पता करना है, मतलब यहाँ कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, ये है डांडिया गरबा सेलिब्रेट नाइट, और मैं आऊँगा MC स्क्वायर की वजह से, अगर MC स्क्वायर यहाँ पर आया तो। मैंने इन भाई से पूछा, ये बता रहे हैं कि ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी वहाँ से। मतलब इसका टिकट पहले लेना पड़ेगा या बाद में? और हम अगर तीन दोस्त हैं तो स्कैनर। मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पे जो है मतलब सेलिब्रिटी आएंगे बहुत सारे, अलग अलग डेट में आएंगे वो, जो MC स्क्वायर है हम तो उसके लिए टिकट पूछ रहे हैं बस। तो यहाँ पर मतलब लगाया हुआ है इन्होंने ये, तो हमने इनसे मालूम कराया, तो ये बोल रहे हैं कि इसको स्कैन करो, उसके बाद पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या है क्या नहीं। तो हम पहले मैं उसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की तब तक के लिए। कोई डिस्काउंट नहीं? डिस्काउंट वगैरह कुछ? डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है अगर आप वेबसाइट के थ्रू बुक कर दें तो। ओके मैम, थैंक यू मैम। वो भी आ जाएगी। अब बस आ जाए मैम, ये 7-8 बजे तक जी हम खुद ही कर लेंगे आपको, ठीक है मैम? हाँ हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। इतनी होना इतना आदमी ना। हाँ तो भाई हमने पता कर लिया है, आपके सामने बात करी है, वैसे आवाज़ तो आ गई होगी आपके सामने बात करी है मैंने,
देखते हैं भाई टिकट लेते हैं या फिर नहीं लेते। जो भाई हम इंक्वायरी करने आए थे वो हमारी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और वो MC स्क्वायर जो है वो 22 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो आज हमें उसका टिकट भी लेना है। बाकी अभी जा रहे हैं हम दूसरी साइड, इन भाई को क्या पीनी है, कॉफी स्टारबक्स। ये हमारे ड्राइवर और ये हमारे कंडक्टर आ चुके हैं और कपड़ा मारने वाला कौन तू? मैं मैं सब जाने तेरे भैया को कौन कपड़ा मारा है। कपड़ा था सलमान के, सलमान ही बता रहा कल मैंने वही कपड़ा लेगा मांग के मारा तुझे। भाई हम जा रहे हैं दूसरी साइड, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है। और अगर ये बुलेट तेज ना भगाए ना मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आए, पर इन्हें भगानी है बुलेट। ओ सलमान भाई का दिल खुश हो गया, बुलेट 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 और बस सलमान का भी दिल खुश हो जा रहा है। यूं ही है अभी, यू तेरा क्या सिस्टम है, कभी चश्मा उतार है कभी लगा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है? सलमान की आवाज में फॉर्मेलिटी। अब आ चुके हैं हम, ज्यादा दूर नहीं है, वो सामने की साइड है हवा हवाई, और इधर की साइड जो है इधर की साइड है ये सारी चीजें। और अब रिहान भाई जो है स्टारबक्स जाएंगे, तब तक कितने की होगी, सलमान और मैं बाहर रहेंगे, ये भी बता दो। हमारे पास पैसे नहीं है अंबानी। इन वाले गार्ड से हमारी बात हुई है, ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि व्लॉग अभी आप नहीं बना सकते, ना ही आप कैमरे का यूज कर सकते क्योंकि इधर मीटिंग चल रही है, पता नहीं किसकी, जैसे सलमान की चली थी ना बड़ा मामला, वैसे ही इन्हों की मीटिंग चल रही है। तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अब जा रहे हैं अपने घर, और घर से पहले भी अब हम कहीं नहीं रुकेंगे। तो भाई आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।